क्या हाल चाल है योगिता? क्या हाल चाल है हर्षित? करेक्ट। तो आज हम डिस्कस करने वाले थे क्या, पी ब्लॉक। तो हम पी ब्लॉक के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करने वाले थे, तो देखते हैं भैया क्वेश्चन। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि ये हमारा लिथियम है, बेरिलियम है, बोरॉन है और कार्बन। ये चार एलिमेंट है और नीचे चार आयोनाइजेशन है, चार आयोनाइजेशन पोटेंशियल गिवन है, 520, 800, 899 और 1068। इनमें से कौन सा बोरॉन का आयोनाइजेशन पोटेंशियल होगा? इन चारों में से कौन सा आयोनाइजेशन पोटेंशियल बोरॉन का होगा? कोई बता सकता है? तो हम इधर जाते हैं तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज करती है, लेकिन बेरिलियम का बोरॉन से भी ज्यादा होता है और लिथियम से, तो इसमें कार्बन का तो कौन सा हो गया? ये तो कार्बन का हो गया, जो सबसे लीस्ट है वो लिथियम का हो गया। अब बचे दो, तो बेरिलियम का कौन सा होगा? ये वाला। और ये वाला किसका होगा? बोरॉन। देखो कोई डाउट है इतने में? हम चलते हैं और देखते हैं सेकेंड नंबर का क्वेश्चन। सेकेंड नंबर का जो क्वेश्चन है वो कहता है एल्यूमिनियम और थैलियम के से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट है और हमें बताना है कि ये स्टेटमेंट सही है या नहीं। फर्स्ट है स्टेटमेंट, एल्यूमिनियम थैलियम से ज्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, क्या ये सही है या गलत? और हमको करेक्ट बताना, एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रो पॉजिटिव करेक्टर थैलियम से ज्यादा होगा कि कम होगा? कोई तो बताओ भैया। सही बात। सही बताना है, क्या ये स्टेटमेंट सही है कि एल्यूमिनियम मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव देन थैलियम? यस तो आप हमें ये बताएं कि इलेक्ट्रो पॉजिटिव करेक्टर देखते कैसे? डीएनए ऐसा हमने इसमें पॉजिटिव। ऐसा है ईएन से नहीं देखते, इलेक्ट्रो पॉजिटिव करेक्टर आयोनाइजेशन एंथैल्पी से देखा जाता है। ठीक है ना, इसको हिंदी में धात्विक लक्षण भी कह देते हैं। जिसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम होगी वो ज्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव होगा। तो बताओ एल्यूमिनियम की आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है ना, सही है क्या? या फिर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से भी देख सकते। तो थर्ड ग्रुप में एल्यूमिनियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम है कि ज्यादा? बोरॉन से एल्यूमिनियम डिक्रीज होती है और फिर बढ़ के स्टेबल हो जाती है। तो ये स्टेटमेंट हमारा ठीक है। इसका दूसरा स्टेटमेंट में कहता है हेलियम एल्यूमिनियम से ज्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, जो रॉन्ग है। नंबर थर्ड, हेलियम +3 रिड्यूसिंग एजेंट है, क्या ये सही है? नहीं, हेलियम की +1 स्टेबल होती है और जब ये 3 से 1 में जाएगा तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, या कोई भी एलिमेंट अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर में हमेशा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है और लोएस्ट नंबर में रिड्यूसिंग का काम करता है। तो ये भी हमारा रॉन्ग है। और फोर्थ, हेलियम +3 हेलियम
हेलियम प्लस थ्री एल्यूमिनियम प्लस थ्री से ज्यादा स्टेबल है, फॉल्स, डाउन द ये ग्रुप प्लस फॉल्स हायर है, ऑक्सीडेशन ठीक है स्टेट ना? स्टेबिलिटी डिक्रीजेस। नहीं, इसको हमेशा नहीं ऐसे याद रखते, ऐसे याद रखते हैं थर्ड ग्रुप में, 13th फैमिली में प्लस थ्री की स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप डिक्रीज करती है, 14th फैमिली में प्लस फोर की स्टेबिलिटी डिक्रीज करती है और प्लस टू की इंक्रीज इंक्रीज कर, और ऐसा इनर्ट पेयर इफेक्ट के वजह से होता है। इनर्ट पेयर इफेक्ट इन तीन एलिमेंट्स में मिलता है, और वो एलिमेंट होते हैं ये हेलियम, लेड और बिस्मिथ। इन तीन से रिलेटेड जब भी कोई क्वेश्चन आएगा उसका आंसर इनर्ट पेयर इफेक्ट हो जाएगा। तो हम चलते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि जो बोरॉन है, बोरॉन के लिए हमें कुछ स्टेटमेंट है और उनमें से कोई सही स्टेटमेंट बताना है। बोरॉन मेटालिक इन नेचर है, मेटालिक नेचर का हो सकता है, ठीक फॉल्स, है ना? मेटालिक नेचर का है। नंबर सेकंड, ठीक है ना, ये Bf6-3 नहीं बना सकता, सही बात है। ठीक है ना? बना सकता है, बना सकता है। नंबर नहीं बना तीन, सकता। दोनों ही सही है, दोनों ही सही है। और नंबर चार, बोरॉन अपने ग्रुप में बाकी बाकी एलिमेंट से ज्यादा डेंस है, उसकी डेंसिटी ज्यादा है, इसका घनत्व ज्यादा है। बोरॉन मोर डेंस देन अदर एलिमेंट, बोरॉन की डेंसिटी इसके ग्रुप में सबसे ज्यादा है। ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, सारे ये गलत भी हैं। रॉन्ग स्टेट, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, ये सही है। बी नहीं, एफ सिक्स नहीं बन सकता, बी हाँ एफ ये सही सिक्स नहीं बन सकता। अब हमें पढ़ना कैसे चाहिए, ध्यान से देखना, बोरॉन मेटल है या नहीं है कैसे पता लगे, कैसे पता लगे? तो उसकी ऑक्साइड एसिडिक है। एक तो इसका ऑक्साइड एसिडिक है, और नहीं तो अगर आप बहुत ही ढक्कन हो तो जिस भी एलिमेंट में ईएम आता है वो मेटल होते, ठीक है ना? और जिसमें ईएम नहीं आता वो नॉन मेटल हो, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रोबेडियम, सीजियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, बेरियम, स्ट्रॉन्शियम, एल्यूमिनियम, बोरॉन। तो बोरॉन में नहीं आया ना, तो ये मेटल है। सेकेंड ग्रुप का दूसरा पॉइंट का क्लू क्या है, और इस क्लू का क्वेश्चन हमें से आता है। सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट, सॉरी, सेकेंड पीरियड के एलिमेंट मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना सकते हैं? चार, क्योंकि इनके पास डी नहीं होती। ये बात हमको कॉपी में लिख लेनी चाहिए, ये हमको कॉपी में लिख लेनी चाहिए। हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, और अगला क्वेश्चन ये है कि किसमें थ्री सेंटर टू ई बॉन्ड मिलेगा, थ्री सेंटर टू ई बॉन्ड मिलेगा। चॉइस हमारे पास ये है, एक चॉइस ये है और एक चॉइस ये है। इन तीनों में से किसमें थ्री सेंटर टू ई बॉन्ड मिलेगा? B2H6 बनाना बॉन्ड और और मोस्ट प्रोबेबली फोर्थ वाले, थर्ड वाले में भी हो गई। इन तीनों में ही टू सी बॉन्ड मिलता है, थ्री सी टू ई बॉन्ड। ये तीन ही मॉलिक्यूल, सॉरी ये गलत लिखा है मैंने, ये सिक्स होगा। अब ये होता क्या है वो भी समझ लो, ये बोरॉन है, ये भी बोरॉन है, और ये दोनों ही बॉन्ड नॉर्मल बॉन्ड है, एक इसका एक इसका, एक इसका एक इसका, ये भी नॉर्मल बॉन्ड। अब हाइड्रोजन के पास में एक इलेक्ट्रॉन है,
अब क्वेश्चन ये है, ये दो से बॉन्ड कैसे बनाएगा? तो यहां पर ये एक स्पेसिफिक बॉन्ड बनाता है जिसको हम बनाना बॉन्ड भी कहते हैं, जिसको हम 3C और 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड भी कहते हैं। इलेक्ट्रॉन तो दो ही है लेकिन सेंटर तीन है। एक इलेक्ट्रॉन साइमल्टेनियसली दोनों बॉन्ड बनाता है। दूसरी खास बात, इनको हम ब्रिज हाइड्रोजन कहते हैं। और ये हाइड्रोजन अबव और बिलो द प्लेन में होते हैं। कितने हाइड्रोजन एक प्लेन में? चार। और दो हाइड्रोजन अबव और बिलो द प्लेन में। जब हम इसकी रिएक्शन मिथाइल क्लोराइड से कराते हैं, जब हम इसकी रिएक्शन मिथाइल क्लोराइड से कराते हैं, तो ये चारों हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाते और ये बन जाते, ठीक है ना? तो क्वेश्चन आ जाएगा कि B2H6 की रिएक्शन अगर हम मिथाइल क्लोराइड से कराएं एक्सेस में, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? तो अब हमको ये बात पता होनी चाहिए कि डायबोरेन में चार ही हाइड्रोजन रिप्लेस हो सकते हैं, और वो भी कौन से? प्लैनर वाले, ये ब्रिज वाले नहीं होंगे। और ये बड़ी क्लास के लिए फर्स्ट ग्रेड नीट जेई के लाइक क्वेश्चन है कि इसमें 3 सेंटर बॉन्ड मिलता है। हम आगे बढ़े तो बताओ इसमें कितने 2C, ठीक है ना, कितने 2C, 3C2 ही बॉन्ड है। दो है? दो दो। और कितने 2C2 ही बॉन्ड है? चार चार। ये वाला 2C2 ही है और ये भी 2C2 ही। 2C का मतलब दो सेंटर, दो इलेक्ट्रॉन। और ये वाला बॉन्ड जो है वो है 3C और 2E बॉन्ड। क्लियर? हम आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है, वैसे तो बहुत आसान है, कि बोरॉन और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स को कलेक्टिवली क्या कहते हैं? इसको हम बोरेन कहते हैं। अगर उसमें दो बोरोन है तो उसका नाम डाइबोरेन हो जाए। क्लियर? तो अगला क्वेश्चन जो हमारे पास है वो ये है कि किसमें 3 सेंटर बॉन्ड मिलता है। तो अब आप मुझे लगता है फटाफट बता सकते हो कि किसमें 3 सेंटर बॉन्ड मिलता है। इनमें से किसमें से 3 सेंटर बॉन्ड मिलता है? डाइबोरेन। तो इसमें 3 सेंटर बॉन्ड मिलता है। कोई बता सकता है इसमें कोई एक खास बॉन्ड? कभी कभी बच्चे इसमें फंस जाते हैं और इसकी स्ट्रक्चर ऐसी होती है, तो ये डाइमर बना लेता है। और डाइमर जब बनता है तो ये ना ब्रिज कोऑर्डिनेट बॉन्ड से बनता है, ये वाला बॉन्ड कोऑर्डिनेट होता है। क्लोरीन का लोन पेयर एल्यूमिनियम के बैक एंड डी ऑर्बिटल में ट्रांसफर हो जाता है, इसलिए ये ब्रिज बॉन्ड बनता है। ठीक है? तो हम चलते हैं फिर एक नए क्वेश्चन की तरफ। और नया क्वेश्चन ये है कि हम किसको इनऑर्गेनिक बेंजीन कहते हैं? इनऑर्गेनिक बेंजीन का फॉर्मूला क्या है? इनऑर्गेनिक बेंजीन का फॉर्मूला होता है B3N3H6, और इसकी स्ट्रक्चर बेंजीन जैसी होती है, इसलिए इसको इनऑर्गेनिक बेंजीन कहते हैं। यहां पे BH, फिर NH, फिर BH, फिर NH, फिर BH, फिर NH। और दूसरी खास बात क्या है, बेंजीन में तो पाई बॉन्ड होता है लेकिन यहां पे नाइट्रोजन से बोरॉन की तरफ एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। ठीक है? ये फर्क है बेंजीन की और इसकी स्ट्रक्चर। क्लियर?
अगला क्वेश्चन अच्छा है, ये भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, तो अब चॉइस की हमें कोई जरूरत नहीं है। बच्चे क्या है, चॉइस मांगते हैं। चॉइस क्वेश्चन ये है कि अगर हम बोरिक एसिड के रिएक्शन इथाइल अल्कोहल के साथ करें, जब हम बोरिक एसिड को इथाइल अल्कोहल के साथ में जलाते हैं तो कैसी फ्लेम निकलती, कैसे फ्लेम निकलती? कोई बता सकता है? तो ये ग्रीन एच फ्लेम के साथ में जलता है, पहला क्वेश्चन। अब ग्रीन एच फ्लेम किसकी वजह से बनती है? तो जब इन दोनों की रिएक्शन होती है तो ट्राई इथाइल बोरेट बन जाता है, ट्राई इथाइल बोरेट बन जाता है, और इसकी स्ट्रक्चर ये होती है। यहां से H2O निकल जाएगा और ये आपस में जुड़ जाएंगे। क्या ये ट्राई इथाइल बोरेट ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है क्या? कोई बता सकता है क्या ट्राई इथाइल बोरेट ऑर्गेनिक कंपाउंड है, सॉरी ऑर्गेनोमेटेलिक नहीं, यह ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड नहीं है। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड के लिए कार्बन का बॉन्ड या तो मेटल से होना चाहिए, या इन दो नॉन मेटल से होना चाहिए, या फिर इन दो मेटलॉइड के साथ होना चाहिए। ये वाला पोर्शन तो ज्यादातर बच्चों को आता है, पर ये वाले पोर्शन में बच्चों को प्रॉब्लम होती है। क्यों? कि याद नहीं है। यहां पे ये याद करना पड़ेगा कि कार्बन अगर इनसे डायरेक्टली अटैच है तो ऑर्गेनोमेटेलिक हो जाएगी। तो मतलब अगर हम यहां से ऑक्सीजन हटा दें तो क्या ये ऑर्गेनोमेटेलिक बन जाएगा क्या? बन जाएगा क्या? जाएगा। बन जाए। हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है और ये मेरी लिस्ट में है, आने के लिए तैयार है मेरी लिस्ट में। पहला है बोरेक्स का फॉर्मूला क्या होता है? बोरेक्स का फॉर्मूला होता है Na2B4O7, ठीक है ना, कभी 6H2 या फिर 10H2। तो 10H2 वाला लेते हैं। अगर 6H2 लगा हुआ हो तो उसे ज्वेलर बोरेक्स कहते हैं, और अगर 10H2 हो तो सिंपल बोरेक्स कहते हैं। अब इसका फॉर्मूला क्या है, ठीक है ना, कोई बता सकता है इसका फॉर्मूला? पर वो ऐसे नहीं देगा, ठीक है ना, वो ऐसे देगा Na2(B4O5) OH4(8H2)। क्या ये है बोरेक्स का फॉर्मूला, या फिर जो अगला है वो है Na2(B4O5)OH5(7H2)? और ऐसे ही काम करते चले जाओ, ये फोर, ये फाइव, फिर अगला सिक्स, 6H2(5)8H2, 6H7। तो बताओ इन दोनों में से कौन सा फॉर्मूला बोरेक्स का है? ये अच्छा क्वेश्चन है, मेरी लिस्ट में है कि ये क्वेश्चन आने वाला है, तो ये मैंने आंसर हटा दिया, मतलब अब आंसर ही आंसर बचा। इसको नोट कर लो, ये बात आपने नहीं नोट की हो। बड़े भी आ गए, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आ सकता है। हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, और अगला क्वेश्चन ये है कि अगर हमने बोरिक एसिड को स्ट्रॉन्ग हीट कर दिया,
इसको स्ट्रांग हीट कर दिया तो क्या प्रोडक्ट बनी। अब बच्चे यहाँ पर चॉइस देखकर आंसर डिसाइड करते हैं पर वो सही नहीं है। तो जब हम इसको हीट करते हैं तो B2O3 और H2O बन जाता है, क्लियर है। बैलेंस करेंगे तो आप कुछ 6H हो जाएंगे तो 3H2, क्लियर। बढ़े आगे, अगला क्वेश्चन अच्छा है और मेरी हिट लिस्ट में है कि अगर हम एल्यूमिनियम क्लोराइड के, ध्यान से देखना, वो हमसे पूछेगा रूम टेम्परेचर पर इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो, रूम टेम्परेचर पर इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो। कोई बता सकता है? रूम टेम्परेचर पर इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? नहीं, रूम टेम्परेचर पर ये डायमर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और इस फॉर्म में इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 होती है। अगला क्वेश्चन, 700 डिग्री के ऊपर इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? 700 डिग्री के ऊपर ये ऐसे ही एग्जिस्ट करता है और इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो जाती। अगला क्वेश्चन ऐसे आएगा कि AlCl3 एक्वस की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? कोई बता सकता है? sp3d2 सही आंसर है क्योंकि एक्वस स्टेट में ये ऐसे एग्जिस्ट करता है। क्लियर। बड़े आगे, तो ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना, दोनों ही अच्छे क्वेश्चन। हम आगे चलते हैं और क्वेश्चन है हमारा ये कि Na2b4o7 को हमने हीट कर दिया और हीट करने पर हमें दो कंपाउंड मिले, एक का नाम है NaBO2 और दूसरे का नाम है B2O3। इसको हमने X मान लिया और इसको Y मान लिया, ठीक है, ठीक है ना। हमने CU की रिएक्शन इन X और Y में से किसी से कराई और उनकी रिएक्शन कराने से हमें कॉपर बोरेट का ब्लू कलर मिल गया, तो इनमें से कौन सा रिएक्ट करेगा, कौन बोरेक्स बी टेस्ट देता है? इनमें से कौन ये देता है या ये देता है? तो ये बोरेक्स बी टेस्ट B2O3 देता है। तो जब हम B2O3 की रिएक्शन इससे कराते हैं, ये गलत है, ये BO2 होना चाहिए, ठीक है ना। तो सारे ट्रांजिशन मेटल के ऑक्साइड बोरेक्स को हीट करने के बाद B2O3 के साथ में करेक्टरिस्टिक कलर देते हैं और इससे हम बीड बनाते हैं, बीड जो ट्रांसपेरेंट होती है। अगला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, अगर हम B2H6 की रिएक्शन अमोनिया के साथ कराएं, अमोनिया के साथ कराएं तो क्या प्रोडक्ट बने? तो जब हम इसको अमोनिया के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हमारा कंपाउंड ये बनता है BH2NH3, कहीं पे लिख लेना भैया, जो फर्दर हीट करने पर B3N3H6 में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है और मेरी हिट लिस्ट में है कि आपके एग्जाम में आ सकता है, क्लियर है।
हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है कि इन रिएक्शंस के प्रोडक्ट बनाने। या वैसे तो क्वेश्चन ये है कि किसमें डायवोरेन मिलेगा, ये याद करने वाला क्वेश्चन है। इन तीनों ही रिएक्शंस में डायवोरेन का फॉर्मेशन होता है, इन तीनों ही रिएक्शंस में डायवोरेन का फॉर्मेशन होता है। इसको छोड़कर इसमें ये हाइड्रोलाइज्ड हो जाएगा और NaCl और H2O जैसा कोई बोरिक एसिड जैसा प्रोडक्ट बना ले। अगला क्वेश्चन फिर से आसान क्वेश्चन है कि AlCl3 को जब हम एयर में रख देते हैं तो इसमें से व्हाइट फ्यूम किसकी वजह से आती है? HCl। तो एक्वस सॉल्यूशन में ये हाइड्रोलाइज्ड हो जाता है और हाइड्रोलाइज्ड होकर HCl देता है, तो व्हाइट फ्यूम का फॉर्मेशन HCl के वजह से होता है। सेम क्वेश्चन BCl2 के साथ भी आता है कि बेरिलियम क्लोराइड या एल्यूमिनियम क्लोराइड या किसी भी कोवलेंट क्लोराइड को मॉइस्ट एयर में जब हम छोड़ देते हैं तो उसमें से सफेद धुआं निकलता है और वो सफेद धुआं HCl का होता है। अगला क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूं इसलिए आपको ही बताना है। Na2b4o7 10H2O में कितने हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, मैं कितने हाइड्रोक्सिल ग्रुप है? है कितने? आवाज नहीं आ रही। अभी अभी फॉर्मूला लिखाया था थोड़ी देर पहले, चार। ठीक है ना, तो 4OH ग्रुप होते। चाहो तो वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते, ठीक है ना। और इसका फॉर्मूला था क्या, Na2, ठीक है ना, Na2 B4O5 OH4 और कितने H2O 6 कि 7 या 8? 8 H2O। हम अगला चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि CO की बॉन्ड लेंथ किसमें मैक्सिमम होगी, किसमें सीओ की बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा होगी, और चॉइस में है ये CO2, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बोनेट आयन और LDI। कार्बोनेट है। तो हमने आपको बॉन्ड ऑर्डर निकालना सिखाया था, पॉली एटॉमिक का बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते। CO2 का बॉन्ड ऑर्डर 2 होता है, इसका 3, इसका 1.33 और इसका 2। पॉली एटॉमिक का बॉन्ड ऑर्डर ऐसे निकालते हैं, देख लो एक बार फिर से। नहीं, पर स्ट्रक्चर की कोई जरूरत नहीं है, बिना उसके भी निकाल सकते हो। देखना ध्यान से, 3 ऑक्सीजन पर कितना चार्ज है, 2, तो एक पे कितना होगा,
2/3 और ये हो गया 0.6। हमेशा दो में से माइनस कर दो, हमेशा दो में से माइनस होगा। फिर से देख लो, तीन ऑक्सीजन पर दो चार्ज है, एक पर कितना होगा 0.66, दो में से हमेशा घटाना है। ये नहीं कि यही दो है, इस CO2 में निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, दो पर जीरो है तो एक पर कितना होगा जीरो, तो दो में से माइनस किया तो कितना, क्लियर? अगला क्वेश्चन है, हटा दे से भैया। अगला क्वेश्चन ये है कि इनमें से किसकी हाइब्रिडाइजेशन अलग है। एक मिनट, है ना, SiO2 sp3 हाइब्रिडाइज, 3D स्ट्रक्चर। ये सही, इनमें से किसकी हाइब्रिडाइजेशन अलग है। आपको ये बात घर से याद होनी चाहिए कि ये पॉलीमेरिक सब्सटेंस है, ये बहुलक है, अकेला रहता नहीं है, जाइंट स्ट्रक्चर, बहुत बड़ी संरचना बनाता है, और सारे पॉलीमर की हाइब्रिडाइजेशन sp3 होती है दो पॉलीमरिक सब्सटेंस को छोड़कर, और वो दो पॉलीमेरिक सब्सटेंस होते हैं ग्रेफाइट और बोरिक एसिड। कोई बता सकता है कौन सा थ्री डायमेंशनल सॉलिड हाइड्रोजन बॉन्डिंग से बनता है? बोरिक एसिड। इसको भी नोट कर लो कहीं पे कि बोरिक एसिड एक ऐसा 3D सॉलिड है या जाइंट सॉलिड है जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग से प्रिपेयर होता है। अगला क्वेश्चन यह है कि 14th फैमिली में, 14th फैमिली में स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा, +2 की स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा, +2 की स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा, कौन इनमें +2 में सबसे ज्यादा स्टेबल होगा? लेड। तो इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से लेड +2 ज्यादा स्टेबल होता है, लेकिन अगर ये 4 हो जाता तो ऑर्डर फिर ऐसा हो जाता। ये क्वेश्चन बार बार सारे पेपरों में पूछा जा चुका है, पूछा जाता है, और आपको अगर अभी तक याद नहीं है तो आप खुद ही सोच लो कि आपका क्या होने वाला है। बड़े भैया आगे। अगला क्वेश्चन ये है, अगला क्वेश्चन ये है कि कौन सा मेटल लो टेम्परेचर पर पाउडर में बदल जाता है। टिन। टिन एक ऐसा एलिमेंट है जो लो टेम्परेचर पर पाउडर में बदल जाता है, इसलिए फ्रिज में टिन के कंटेनर नहीं रखते हैं, नहीं तो टिन पाउडर में बदल कर फूड स्टफ से मिल जाता है, तो टिन के डिब्बों को कभी भी ठंडी जगह रखना नहीं चाहिए। ठीक है, एक बार इसका क्वेश्चन आया AI EEE में कि जब सिकंदर अफगानिस्तान से इंडिया आ रहा था तो उसकी ड्रेस के बटन गल गए, तो बताओ वो बटन किस मेटल के बने हुए हैं? टिन मेटल के बटन बने हुए। हम आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन हमारा ये है,
इन चारों में से किसमें डी पाई पी पाई बॉन्डिंग मिलेगी? तो ये क्वेश्चन कैसे देखा जाता है कि जिस मॉलिक्यूल में दोनों एटम सेकेंड पीरियड के हों वो कभी भी पी पाई डी पाई बॉन्ड नहीं बना सकता, क्यों? सेकेंड पीरियड में डी होती ही नहीं है। तो ये भी दोनों सेकेंड के हैं नहीं बनाएगा, दोनों सेकेंड के हैं नहीं बनाएगा, दोनों सेकेंड के हैं। इसमें ये थर्ड पीरियड का है और ये सेकेंड पीरियड का है। तो सल्फेट में पी पाई डी पाई बॉन्ड पी पाई डी पाई बॉन्ड बन जाएगा। हम आगे चलते हैं और देखते हैं ये कहानी। जब हम CH3Cl के रिएक्शन सिलिकॉन से कॉपर पाउडर के प्रेजेंस में कराते हैं, तो हमको ये कोई भी यूनिट मिल सकती है। ये तीनों ही यूनिट मिलती, ठीक है? इनमें से किस यूनिट से 2D पॉलीमर बनता है, 2D, और किससे 3D पॉलीमर बनता है? फर्स्ट वाले से 2D, सेकंड वाले से 3D, थर्ड वाले से 3D। तो देखो ध्यान से, जिसमें जितने Cl होते हैं वो उतने ही D बनाता है। तो 2Cl वाला 2D बनाता है, 3Cl वाला 3D बनाता है, और जिसमें 1Cl है ये चेन को टर्मिनेट करने के काम में आता है। जब सिलिकॉन पॉलीमर को रोकना होता है तो हम इससे रोकते हैं। और पॉलीमर कैसे बनता है ध्यान से देख लेना कि ये ऐसा ही है, ये CH3 है, ये भी CH3 है, ये Cl है, ये Cl है। इसकी हाइड्रोलिसिस करी, हाइड्रोलिसिस में दो OH लग जाएंगे और फिर ये दो OH एक नेक्स्ट यूनिट से रिएक्ट करेंगे और यहां से H2O निकल जाएगा और हमको मिलेगा पॉलीमर। तो फिर से एक OH फ्री है। तो जब हमको रिएक्शन को बंद करना होता है तो हम इस वाली यूनिट से रिएक्ट करा देते हैं। ये वाली यूनिट यहां जाएगी और इससे अटैच होकर इसको फाइनली बंद कर देगी, क्योंकि इसके पास एक ही Cl था। तो इस वाली यूनिट का काम सिलिकॉन की पॉलीमर चेन को टर्मिनेट करना होता है, सिलिकॉन की चेन को टर्मिनेट करने के काम आती है। हम आगे चलते हैं और एक नया क्वेश्चन देखने वाले हैं। वो क्वेश्चन यह है कि अगर हम SiCl4 की हाइड्रोलिसिस करा दें और ये बना दें तो बताओ ये कितने स्टेप में होगी? टू स्टेप्स। ये कितने स्टेप में ये रिएक्शन पॉसिबल? अब इसके बारे में ये कितने स्टेप में पॉसिबल है ये बात हमने आपको पी ब्लॉक में नहीं, केमिकल बॉन्डिंग में या पीरियोडिक टेबल में हम पढ़ाते हैं कि जो सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है वो 4 बॉन्ड और थर्ड और फोर्थ वाले कितने बॉन्ड? 6। तो यहां पर सिलिकॉन ने कितने बॉन्ड बना रखे? 4। तो जब वाटर इससे रिएक्ट करेगा तो अभी ये कितने बॉन्ड और बना सकता है? ये बना सकता है 2 बॉन्ड। तो एक बार में 2 ही H2O इससे रिएक्ट कर सकते हैं और रिएक्ट करके ये और ये रिप्लेस हो जाएंगे। तो यहां पर OH आ जाएगा, यहां पर OH आ जाएगा और ये CLCl। क्लियर है?
क्लियर है भैया बात? कल हमने एक ट्रांस इफेक्ट भी देखा था, क्या यहां ट्रांस इफेक्ट लग रहा है? है? हाँ लग रहा है। तो ये इसकी हाइड्रोलिसिस भैया दो स्टेप में होगी, एक बार 2 Cl और दूसरी बार में भी 2 Cl। हम आगे चलते हैं और देखते हैं नया क्वेश्चन। नया क्वेश्चन ये है कि ये हमारा ग्लास है, ग्लास ग्लास इनमें से किसमें डिजोल्व हो जाएगा, इन दोनों में से किससे रिएक्ट करता है? दोनों से रिएक्ट करता। ग्लास दोनों में ही सॉल्युबल हो जाता है, जब हम इसकी रिएक्शन कराते हैं तो ये बन जाता है। तो जब हम लैब में काफी दिनों तक काम नहीं करते तो NaOH की बोतल का ढक्कन जाम हो जाता है और एग्जामिनर पूछता है कि ये ढक्कन जाम क्यों हो जाता है, क्योंकि ग्लास की बोतल और NaOH रिएक्ट करके ये बना ले। लेकिन जब हम इन दोनों की रिएक्शन कराते हैं तो इससे ऐसा ही F4 और H2 बन जाता है, ग्लास HF में डिजोल्व हो जाता है। और इस बात का यूज क्या किया जाता है, कांच पर लिखने के लिए, कांच पर लिखने के लिए। इसको कहते हैं इचिंग ऑफ ग्लास अंग्रेजी में, और हिंदी में कहते हैं कांच पर लिखाई। जैसे कोई कहीं सिलेक्शन हो जाए और अपने घर के बाहर ग्लास की नेम प्लेट लगवाए, जिस पे लगवाए डैश डैश IIT, डैश डैश फलाना डॉक्टर, डैश डैश फर्स्ट ग्रेड टीचर, तो उस ग्लास पर लिखने के लिए किसका यूज होगा? HF का। तो क्या करते हैं, ग्लास के ऊपर बैक्स लगा देते हैं और बैक्स को चाकू से, नाइफ से काट कर जो भी लिखना है उस पे लिख देंगे और फिर उस कटे हुए ग्रुप में HF को फिलअप कर देंगे और फिर थोड़ी देर बाद वो ग्लास उसमें सॉल्युबल हो जाएगा, तो नाइफ की हेल्प से वहां से ग्लास को गड्ढे में करके निकाल देंगे और फिर उसमें पेंट या जो भी गोल्डन कलर जो भी भरना है वो आप भर सकते। हम आगे चलते हैं और देखते हैं, ये अच्छा क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा एलिमेंट NaOH के साथ में रिएक्ट करने पर, इनमें से कौन सा एलिमेंट NaOH के साथ रिएक्ट करने पर हाइड्रोजन गैस देगा? क्या हुआ, सभी चले गए?